आई विल फॉर अ रेजिग्नेशन टू द चीफ मिनिस्टर। मैं किसी गरीब को न्याय नहीं दे सकती तो मैं रेजिग्नेशन दूंगी। सिक्योरिटी देकर वहां से निकाला है। गोली की तरह कैसे निकला? आप क्या कर रहे थे? मैं चाइना के एजेंट हो क्या? आप कर सरकार के हैं कि किसके? प्राइवेट हॉस्पिटल के हैं क्या? वाह वाह, मजे देखो आप। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर सरकारी अधिकारियों पे कैसे दबाव बना लिया, ये बताओ आप। अपने अंदर क्या वार्ता करिए बताइए। जगदीश जी जो दलारी के मरीज थे, वो एक गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, और राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना का लाभ देने के लिए यहाँ श्रीराम अस्पताल आए और अपने हर्ट के मरीज का इलाज, अपने खुद का इलाज करवाने के लिए आए। एक गरीब किसान के बेटे का चिरंजीवी योजना का लाभ लेने के लिए आया था कि मुझे फ्री के अंदर इलाज होगा, और तो उसे 360,000 रुपये का बिल थमा दिया जाता है श्रीराम प्रशासन द्वारा। और माननीय जो राजस्थान के गांव गरीब किसान की आवाज़ उठाने वाली लोकप्रिय विधायिका सुश्री दिव्या जी मदेना, इनको कॉल करते हैं, कॉल तक नहीं उठाते, और यहाँ अस्पताल में आकर प्रशासन से बात करने की, यहाँ श्रीराम प्रशासन से बात करने की कोशिश करते हैं अस्पताल प्रशासन से, लेकिन बदतमीजी से बात की जाती है। दिव्या मदेना जो है वो श्रीराम हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग दिव्या जी मदेना के धरने पे बैठे हुए हैं, जिनको बुलाया जा रहा है। दिव्या जी मदेना जो हैं वार्ता करके आए और वापस धरने पे बैठ गए हैं। मामला पूरा पड़ गया है, तो पुलिस प्रशासन मामले को कंट्रोल करने का प्रयास बात चल रहा है, वार्ता चल रही है। ओनर भाग क्यों गया? वार्ता विफल हो सकती है। आइए बैठ लीजिए मैम। क्या हुआ पूरा मैटर? अंदर हुआ, वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि इनके 7,00,000 रुपए हम रिफंड कर देंगे और उनको डिस्चार्ज कर देंगे जी। बात पूरी हो गई, मैंने कहा मैं प्रशासन को, यहाँ पे पूरी बात हो गई, मैंने कहा मैं उनके परिवार के सदस्यों को बुला देती हूँ, आप अपने जो भी काउंटर है वो करवा दें। परिवार को, सदस्यों को अंदर बुलाया, उन्होंने बात मना कर दी, तो मैंने कहा ठीक है आप एडमिनिस्ट्रेशन बात कर लें, मैं बाहर बैठ जाती हूँ, और हम बाहर बैठे कि जो भी वार्ता हो रही है जो भी, वो वापस बताएंगे, और उसके बाद ओनर वहाँ से निकल जाता है, पुलिस उसको संरक्षण देकर निकाल रही है। तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये इस तरीके से गरीब लोगों के साथ में जो चोट हो रही है, एडीएम प्रशासन क्या कर रहा है ये जवाब नहीं दे, या एडीएम अंदर बैठे हैं, पूरी पुलिस लगती है, पूरे के पूरे एसीपी डीसीपी लगते हैं, प्रोटेक्ट कर कर एक उसको निकालते हैं। व्हाट इज दिस पुलिस फॉर? सारी पुलिस आप कह सकते हैं हम इस चीज पे अग्री नहीं करते हैं, और आप हमसे संवाद करेंगे। पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है कि एकदम से दरवाजा खोलिए, हाईटेक सिक्योरिटी लगती है और उसके बाद आप चांडक को गायब करते हैं। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। बुलाते हैं मैडम, वो एसोसिएशन आ गई थी, वो अचानक आ गई। जी सर, आप हॉस्पिटल से डॉक्टर बाहर निकले हैं, तो वो बताइए अंदर देगी सर, अंदर हो सकता है।
मजेदारी की बात भी नहीं सुन रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये इनकी मोनोपोली है, चोर है। और प्रशासन से क्लियर वो वार्ता कर रही थी और वार्ता सफल होती या नहीं होती वो अलग बात है, परंतु सारे ये चोर जो प्राइवेट वाले इकट्ठे होकर के और एक दूसरे की मदद करने की दौड़ छोड़ा रहे हैं, सारी ये बहुत गलत बात है। मैं चाहूंगा कि एजेंट हो क्या लेकिन आप प्रशासन आई विल रिजाइन। अगर मैं किसी गरीब को न्याय नहीं दे सकती तो मैं रेजिग्नेशन दूंगी। न्याय दिलवाएंगे? क्या न्याय दिलाओगे आप? न्याय दिलवाएंगे? दिलाओगे आप? चांडक के एजेंट हो, पूरा का पूरा डीसीपी एडिशनल एसी जितने भी एसी में पूरा ऐसा घेरा करते हैं और चांडक को निकालते हैं और आप कह रहे हो नहीं नहीं आपके अंदर बात होती है, आप एकदम से कमरा खोलते हैं उसको निकालते हैं। योर एजेंट्स आप कर सरकार के हैं कि किसके प्राइवेट हो हॉस्पिटल के हैं क्या? मैडम आपके तो फिर इनको जाने नहीं देना चाहिए ना। हमारा को तो आप ये कह सकते हो कि वार्ता विफल हो गई कि सब ये कह रहे हैं ये नहीं कर रहे। मैडम आप सुनिए, अंदर विफल हो गई मैं वापस आकर बैठ गई। मैंने कहा आप एस प्रशासन बात कर लीजिए, ये नहीं कहा था कि आप एस प्रशासन इसको चोरों की तरह निकाल दो। आई विल फॉर अ रेजिग्नेशन टू द चीफ मिनिस्टर इफ दिस इज व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जोधपुर इज डूइंग। व्हाट इज दिस? पुलिस प्रोटेक्शन में एडिशनल डीसीपी एसीपी घेरा बनाते हैं चंडक का और निकालते हैं, मजाक कर रहे हो आप? अंदर क्या कर रहे थे, क्या वार्ता हुई बताते हैं? आप विफल हो रही है कि ये बात नहीं है, भगाने की क्या जरूरत थी उसको? अबे आपके पास तो हेलीकॉप्टर होता था, आप उड़ा के भेज देते विजय माल्या की तरह। हाँ बिल्कुल, हमने नहीं भगाया, अचानक चले गए थे और हम वापस 5-10 मिनट का टाइम, तो मैं अभी 2 मिनट में बुला कर। तो फिर जाने क्यों दिया? 2 मिनट टाइम ले रहे हैं जाने दे रहे हैं, इलाज करने के लिए आते हैं और वो खुद मालिक भगदड़ है। पुलिस का काम ये है कि हमारे को रोको। अगर वो चोर नहीं होता तो वो बिल्कुल यहाँ के सबके सामने जवाब पेश करता। बात करेंगे शांति रखो। अरे बात तो करनी चाहिए ना, चला गया और नहीं चला गया, अंदर बंद है, बंद है तभी यहाँ बैठे। कौन से अपने लड़के बुलाओ? वार्ता इनकी प्रशासन है क्या? पूरा एसीपी डीसीपी यू खुद कॉन्स्टेबल छोड़ो खुद यू घेरा करके निकालते हो, आप सबको निकालते हो, ठीक है हम थाने में गिरफ्तारी दे देंगे। क्या बात कर रहे हो आप ये कहिए कि हमारी वार्ता विफल हो गई है, मत कीजिए। नहीं नहीं साहब, मैं तो चांड का था तो सारे ये चोर आ रहे हैं, इनको अंदर क्यों जाने देते हो आप? ऐसा है, पहले पुलिस निकली, पहले एडिशनल डीसीपी एसीपी आपके ऐसे जो चार जने निकले कमरे में से, आपके अंदर बात हुई, खटाखट कमरा खुलता है, पहले वो बाहर आते हैं, इधर उधर देखते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, फिर उस घेरे के अंदर चांडक आता है, फिर आप भगाते हो। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, चिरंजीवी योजना कौन लेकर आए, कौन लेके आए आप लोग? नहीं, मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है कि गरीब के गाँव में बैठे अंतिम व्यक्ति को ये लाभ मिलना चाहिए, और हमारी सरकार के आप लोग अंदर दरवाजा खोलते हो पहले बातचीत करके, एडिशनल और ये सारे के सारे हाथ पकड़ते हो और उसको भगाते हो आप? बात कर रहे हो आप? ये कह सकते थे कि वार्ता विफल हो रही है, ये हो रही है, इस बात पे अग्री नहीं आ रहे, आप ये बात कीजिए, आप भगा थोड़ी सकते हो किसी को? नो यू कैन नॉट, यू आर प्री डिसाइडेड। बाहर आके इसी स्टाइल में इधर देखना, लेफ्ट देखना, ये वो तीनों चारों आपके अधिकारी आते हैं, फिर एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और खटाखट चांडक बीच में उतर निकल जाता है। वाह वाह, मजे देखो आप, किसके लिए हो आप? हम पब्लिक के हित में बैठे या प्राइवेट ओनर और एंटिटी के बैठ में हमारी पुलिस आएगी और उसको घेरे में निकालेगी? अचानक निकल गया ये, पूछिए इन्होंने एक दूसरे के हाथ कैसे पकड़े ऐसे, आपके घेरे में कैसे आया, खटाखट आप भागे कैसे? यू डोंट हैव एन आंसर। इन्वॉल्व है ये, पीछे रहे, पहले चारों में चारों पुलिस वाले बाहर निकले, लेफ्ट देखा राइट देखा, अपनी अपनी पोजीशंस ली, खटाखट हाथ पकड़े, एकदम से फिर चांडक आया और निकल गए। क्या बात कर रहे हो आप? मुझे ना ये बताइए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर जो गवर्नमेंट जो लूट रहा है उस पर सरकार पे सरकारी अधिकारियों पर कैसे दबाव बना लिया, ये बताओ आप? आपने अब अंदर क्या वार्ता करी ये बताइए, आपने कैसे स्वर्णम गच्छामी हो गए, पुलिस कैसे स्वर्णम गच्छामी हो गई, क्या वार्ता थी आपकी? वार्ता करी रहते, क्या वार्ता थी?
ये तो हेलीपैड नहीं बना हुआ, नहीं तो कहाँ चांडा फला फू 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 उड़ा हेलीकॉप्टर चला गया, हम देखते रह गए मुख दर्शक। इसमें कमरा नहीं था, दरवाजा नहीं था और यहाँ से जा नहीं पाए तो ये अंदर घुस गए, नहीं तो आप उसको बाहर निकाल रहे थे। क्यों कहाँ ले जाते आप? ले जाते हम बैठे रह जाते, आप चले जाते अपने घर जाके सो जाते, रात को आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है। और वो थो गए आप चांडक। This was not job of the administration. I want an answer. How did the additional ACP, DCP and the ACP and your SHOs by holding hands and taking Chandak out? आप कमरे में थे? बताइए Chandak कहाँ था? कमरे में था? As ADM और SDM आप कमरे में थे? पुलिस कमरे में थे? कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं हो रही थी, कोई थुक्कम पिट्टे नहीं हो रहे थे, सब कुछ शांतिपूर्वक हम बाहर बैठे थे, आप अंदर बातें कर रहे थे। भागने की और भगाने की क्या जरूरत थी ये बताइए आप? उनको भागने की क्या जरूरत थी और पुलिस को भगाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो इसका जवाब दीजिए आप। आप भी फॉल्ट में आ गए। आपको तो हम विश्वास से वार्ता के लिए छोड़ के आए थे। हमने कहा चलिए आप वार्ता करिए, हम बैठे शांति से बात। हम तो आपको वार्ता के लिए करके आए थे कि क्या वार्ता करेंगे आप बताइए। आप कर लीजिए हमारे बिहार से वार्ता। आप पार करा रहे हो उसको? कोई अंदर कोई ऐसी बात हुई नहीं, मुझे नहीं पता। सारे के सारे गवाह हैं, सबने देखा है। लोकप्रिय विधायिका आम आदमी के साथ, अब आम आदमी के साथ क्या व्यवहार? मैडम नाटा ला रहे आई हैव लेफ्ट यू, मैंने आपको अंदर भेजा था और मैं वहाँ बैठी थी, शांतिपूर्वक तरीके से बैठी। निकले ना, हमने देखा ये 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 सीनियर ऑफिसर है कि कांस्टेबल है? मुझे तो आप इतना बताइए, व्हाट पोस्ट इज ही ऑन, किस पोस्ट पे आप, ये कौन सी पोस्ट पे? और दूसरे एक और जैसे जो थे, इन्होंने हाथ की घेराबंदी करके कैसे निकाला? क्या बात कर रहे हो आप? इनको क्या पता लगा हमें हाथ पकड़ने, घेराबंदी करनी, निकालना? चांडक से मैंने बात करी, चांडक ने हाँ भर दी। सुनो अब क्या हुआ अंदर, सब शांति में रहो। हमने ये कहा कि सबसे पहले जिन डॉक्टरों ने बदतमीजी करी है उसकी माफी मांगेंगे, उससे पहले हम संवाद नहीं करेंगे। माफी मांग ली, हमने कहा चलिए संवाद करते हैं। अंदर आने के बाद जो भी बात हुई उसके बाद ये हुआ कि इनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा और डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आप आपका जो काउंटर देखता है उसको बुला लीजिए, मैं इनके परिवार के दो सदस्यों को बुला लेती हूँ कि सब वो तो हुआ हुआ है, बिल्कुल सब रेडी है। तो मैंने कहा बुला लीजिए, हुआ हुआ है तो मैं परिवार के सदस्यों को बुला देती हूँ, आप उसको कैश रिफंड कर दीजिए जो इनका जमा कराया हुआ है और डिस्चार्ज कर दीजिए। ठीक है आप बुला लीजिए। मैंने कहा परिवार के जो सदस्य आ जाइए। मैंने कहा ये आ गए, अब आप अपना व्यक्ति बुलाइए, भेजती है। हुई थी ना ये बात? बिल्कुल हुई थी। मैंने कहा नहीं हम तो ये करेंगे नहीं, अग्री जो बात ही नहीं करते। आप क्या बात करते हो, सारा प्रशासन है, यू टर्न हो गया। मैंने कहा उसके बाद हम बात नहीं करेंगे, हम बाहर बैठ जाते हैं, आप संवाद कीजिए। एज प्रशासन मैंने आपको अंदर छोड़ दिया, आप संवाद कीजिए, मैं बाहर बैठी हूँ। क्योंकि आप बात अग्री करके यू टर्न हो गए। ये लास्ट में हुई जब आपने यू टर्न ले लिया, तब मैंने परिवार के सदस्य को कहा, मैंने कहा ये बात नहीं अग्री हुई, आप वापस जाके बैठे। फिर आपने कहा नहीं हम ये नहीं करेंगे। मैंने कहा जी नहीं, आपने यू टर्न किया, आपने बात करी, आपने यस करी, तब मैं अंदर लेकर आई। उसके बाद में बाहर आ गई, बात छोड़ी आप। अब मैं कौन है एसोसिएशन, क्या लगती है मेरी एसोसिएशन? तो भगा के ले जा रही थी पुलिस के साथ में इनको। सचेत थे हम पहले, ये SHO और पुलिस खड़े थे तो तीनों डॉक्टर भाग गए, हम भागे और उनको बचा किया। हम यहाँ बैठे रहते खाली कमरे के आगे। बात कर लीजिए आप, मैं किसी एसोसिएशन से संवाद नहीं करूंगी। मत आया करो यहाँ पर। बायकॉट श्री राम, बायकॉट श्री राम, हैशटैग बायकॉट श्री राम हॉस्पिटल। नहीं मैं बता रहा हूँ, परिवार के लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है। इस वार्ता का हिस्सा परिवार के लोग हैं। आप पढ़ रहे हो तो एक लेटर हम भी पढ़ेंगे। मेरा नाम लोकेट नगेन शर्मा, मेरे सदन एसोसिएशन के हमारे प्राइवेट ऑफिस में बैठो बैठो। और इसका जो अपने चांडा गाड़ी सुनी बात है, अब हमने भैया सुन लीजिए, दो मिनट दो मिनट सुन लीजिए। मेरी सुनिए आप सबसे पहले। हमारी ये बात थी कि हमने चिरंजीवी में रजिस्टर थे
हार्ट अटैक हो गया, हम आए उस वक्त किसी की मेंटल परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि जब मृत रूप में आता है जीवन और मरण की लड़ाई लड़ता है चिरंजीवी है या नहीं। अगले दिन उन्होंने बताया कि हम चिरंजीवी में है, उसको अवेल नहीं करने दिया। ये नहीं हो सकता, नेचुरल जस्टिस न्याय ये कहता है कि अगर हम चिरंजीवी में रजिस्टर्ड है तो हम उसको बेनिफिट करेंगे। मैंने इनसे संवाद किया, इस पे जो भी इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो मैं अलग से बताऊंगी। मैंने कहा जी आप जितना भी पैसा इनका डिपॉजिट है वो रिफंड कीजिए, इनको हाथ में लिफाफा दे दिया 1,10,000 पैसे दे दिए और डिस्चार्ज टिकट बना दीजिए, जो डिस्चार्ज टिकट बना दिया। अब ये कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम एसोसिएशन बन के सब पैसा जमा करा देंगे, ये करा देंगे, वो जो भी करा देंगे। लेकिन मुख्यतः बात यह है जो मैं मुख्यमंत्री जी से और मेडिकल के मंत्री से बात करूंगी कि अगर कोई भी अस्पताल में कोई व्यक्ति आता है जीवन और मृत्यु की ऐसी स्थिति के अंदर आता है जिसमें परिवार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है और वो हॉस्पिटल को सूचित नहीं कर पाता है और लेकिन वो चिरंजीवी में रजिस्टर्ड होता है और बाद में उसमें संपर्क पाने के बाद में बताता है, तो ऐसे व्यक्ति को चिरंजीवी बेनिफिशियरी होना चाहिए। इस पे हम बात करेंगे, स्पष्ट रूल बनाएंगे ताकि कोई हॉस्पिटल हमें शोषण नहीं कर पाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने माली होने के कारण इसका इलाज अस्पताल में किया गया। चिरंजीवी योजना के तहत जो कोड लगना चाहिए था वो कोड इस बीमारी का नहीं है, लेकिन मरीज की इलाज पूरा अस्पताल में किया गया है। इसका जो भी खर्चा होगा वो मेडिकल एसोसिएशन पदाधिकारी मिलकर के एसोसिएशन की तरफ से दिया जा रहा है। ये जितना भी पैसा आपको दिया जा रहा है मेडिकल एसोसिएशन आपको देगी। आइए आपको एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो चिरंजीवी योजना मैडम आप ही सुन लें, चिरंजीवी योजना मैडम बैठो, शांति करो, बैठो। जो हो रहा था उसमें हमारी सारी बात मान ली, सारी बात मान ली। अब अगर वो कह रहे हैं कि दो मिनट सुनना, सुन लो, अपन ने अपनी सारी बात मान ली। मैं दो मिनट बात कर लेती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि कई कोर्ट चिरंजीवी में नहीं आते हैं, तो वो हमें भी पता होना चाहिए। बिल्कुल अस्पताल को लिखा हुआ है चिरंजीवी का और आरजी इसका दोनों, और बता देना चाहिए वो हटा दो नहीं चल रहा है तो। मैम ऐसा वो कोड डिस्प्ले क्यों नहीं होते हॉस्पिटल के अंदर? डिस्प्ले होने चाहिए कि ये कोड डिस्प्ले कराएंगे। हाँ ये पेशेंट नहीं आएंगे आरजी से और चिरंजीवी के, डिस्प्ले कराएंगे होर्डिंग्स में जितने भी जो चीज है, और ये पाबंदी रहेगी इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि जब आएगा तब सूचित करेगा कि है कि नहीं है। डीपली डिटेल जो है हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए चिरंजीवी योजना के तहत, कौन सा ट्रीटमेंट है और कौन सा नहीं है। सरकार से बात करेंगे ना जी मैम, बातें करिए आप, कहाँ कहाँ इनके लोगों लगने चाहिए, किस तरीके से करें, कहाँ पर क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन और नई इन्फॉर्मेशन करेंगे तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से संवाद करेंगे जी मैम, और बातें करेंगे इनको कराने में, उसको आगे ले जाएंगे मुद्दे को।